विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी हो चुकी है। वहाँ कार्यकर्ता कल तक किसी पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन पार्टी के तरफ से उनको टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने या विरोध बोलिए या अपनी महत्वाकांक्षा बोलिए या इसे यूं कहिए कि इस चुनाव महापर्व में वह भी अपना किस्मत अजमा रहे हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। संजीव आचार्य जी, जो जमशेदपुर के लिए बहुत सा मुद्दा को लेकर जिला प्रशासन के पास प्रदर्शन अनशन धरना किए, आज वह भी पश्चिमी जमशेदपुर से उन्होंने पर्चा लिया। आइए संजीव आचार्य जी से इस विषय में बात करते हैं। संजीव आचार्य जी ने निर्दलीय विधायक के रूप में आज पर्चा भरने का कोशिश किया और कोशिश में है कि इस बार वह विधायक बनेंगे। किस क्षेत्र से आप लड़ेंगे? मैं जमशेदपुर 49 जो पश्चिम विधानसभा होती है, मैं उस क्षेत्र से आज ने नॉमिनेशन फॉर्म है कि उस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जो वर्तमान में है और इधर सरजू राय जी पूर्वी से आए हैं, तो दोनों का वोट आपको कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए, सबसे तो पहले आदरणीय सरजू राय जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। मैं देश के कई विद्वान लोगों के साथ काम कर चुका हूं। राय जी के साथ पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा उनके सानिध्य में काम करने का मुझे मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूं कि राय जी ने मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को अपने ज्ञान के द्वारा अपने सानिध्य में मुझे मौका दिया। राय जी से तो मेरी कोई तुलना नहीं है, राय जी सूरज है, मैं दीपक हूँ, लेकिन ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में राय जी के आशीर्वाद से ही पिछले 5 वर्षों से ज़्यादा मैं सक्रिय रहा पश्चिम विधानसभा में। और राय जी ने ही कहा कि मैं पूर्वी से लड़ रहा हूँ, संजीव जी आप पश्चिम से लड़े, क्योंकि मैंने राय जी के लिए लगातार त्याग किया। 2009 में आसू के टिकट हमें मिली थी, मैंने राय जी के लिए नहीं लड़ा। 2014 में मुझे मधुकोड़ा साहब ने दिया था, 2019 में नीतीश जी ने मुझे जदयू से दिया था। लगातार मैंने उनके लिए त्याग किया और राय जी के ही आशीर्वाद से मैं पश्चिम में कार्य कर रहा था। बहुत आंदोलन किया आपने बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री के लिए, जो उन्होंने दीवार छेक लिया, घर छेक लिया है, क्या हुआ आंदोलन? टाइम टाइम फीस हो गया, क्यों पूरा अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा? देखिए, कोई भी आंदोलन टाइम टाइम फीस नहीं होता है। आप जब किसी शासन तंत्र के खिलाफ विरोध में लड़ते हैं तो शासन तंत्र पूरी तरह से हावी रहता है। मैं एक साधारण लड़का हूँ, मैंने अपनी पूरी ताकत से और निष्ठा से जनता की जो आवाज़ थी, जनता को जो रोड रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाता है अपने निजी स्वार्थ के लिए, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने जनता ने जिनको वोट देकर जिताया, जो स्कूल के बच्चे छुट्टी के समय में रेंगते रहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मैंने उनके विरोध में मैंने लड़ा। मैं उनके विचार जो था गलत विचार, अंतिम मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचा, क्यों नहीं दीवार को तोड़ा? अभी भी तक देखिए, लोकतंत्र में क्यों आपने आंदोलन नहीं किया, अनशन नहीं किया? नहीं, क्यों? मैंने आपको तब ज्ञान नहीं होगा, इसी डीसी ऑफिस के बाहर में मैंने भूख हड़ताल किया था। माने रिजल्ट नहीं आया? देखिए, रिजल्ट सारा चीज आप चाहेंगे कि 2 मिनट में रिजल्ट आ जाए, नहीं होता। इसलिए चुनाव में लड़ रहे हैं? नहीं, चुनाव लड़ने का कारण रिजल्ट नहीं है, चुनाव लड़ने का कारण है वर्तमान को जो परिस्थिति है। युवाओं में हाहाकार मचा हुआ है, युवाओं के पास में नौकरी नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय जो जिस क्षेत्र के गिरिजला जिला के स्वास्थ्य मंत्री है, MGM हॉस्पिटल में माताएं चीख रही है, चिल्ला रहे हैं, मानवता शर्मसार हो रहा है। काम तो हुआ MGM में, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, स्वास्थ्य की सुविधा में बहुत सुधार हुआ है, पैसा लगा हुआ, पुल का निर्माण हुआ पश्चिमी में। बन्ना गुप्ता इसी को लेकर तो आगे बढ़ेंगे। ये बन्ना गुप्ता जी आदरणीय है, मैं बन्ना गुप्ता जी को मीडिया के माध्यम से एक कहना चाहता हूँ कि आप शुरू में बहुत अच्छे थे, लोगों का सेंटिमेंटल के साथ, भावनाओं के साथ खेलकर, यहाँ रिक्शा वाले, ठेला वाले, ऑटो वालों के साथ सेंटिमेंट के साथ खेलकर आपने सत्ता हासिल किया। आज भी रोड रास्ता में ऑटो वाले पिटा रहे हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, आप आज तक आवाज़ नहीं उठाए, आप मंत्री रहे दो दो बार। क्या क्या लेकर अपने क्षेत्र में लड़िएगा, क्या क्या मुद्दा को लेकर, क्या मैनिफेस्टो है आपका? सिर्फ जमशेदपुर पश्चिम में ही नहीं, जमशेदपुर में सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ही है, यहाँ पीने का स्वास्थ्य पानी नहीं है, यहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है। स्वास्थ्य आप जाइएगा, क्या परिस्थिति आप देखिए, यहाँ पे क्या है बताइए ना, एजुकेशन का एक भी बड़ा कॉलेज हम लोग के पास है?
जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं इंटर के बाद नम आंखों से बाहर बेचता है, वो बच्चे बाहर में ही रह जाते हैं। टाटा कंपनी का एक तरफ दादागिरी चल रहा है, टाटा कंपनी हमारे पुराने जितने स्कूल्स है सारे स्कूल को बंद करा दिए, आरडी टाटा बंद करा दिए, इंटर कॉलेज बंद करा दिए, क्यों नहीं कोई विधायक आवाज़ उठाते एजुकेशन के मामले में। शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है मनमानी करता है, कोई सुनता नहीं। मैं छात्र आंदोलन से लड़ रहा हूँ, मुझे लगा कि जब तक लोकतंत्र में आप सही जगह में नहीं आएंगे आपकी बात सही जगह में नहीं सुना जाएगा, उसीलिए मैंने लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार मैंने अपनाया है कि मैं लोकतंत्र को विश्वास करते हुए चुनाव के मैदान में उतरूं। जनता चाहे जिसको भी वोट करे मैं अपनी पूरी कोशिश ईमानदारी से करूंगा। जनता किसी को भी वोट करे, जनता का पूरा अधिकार इस लोकतंत्र पर्व में अच्छा प्रतिनिधि चुने। लेकिन जनता से अनुरोध है, एटी लाइव पूरे टीम के तरफ से, चैनल के तरफ से, आपका भी कुछ सवाल है, आपका भी कुछ मांग है इस चुनाव पर्व में, तो आपकी मांग, आपकी सलाह, आपकी सभी बातों को प्रतिनिधि के पास रखा जाएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।